सो हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके और मेरे चैनल टेक्निकल पॉइंट पे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे आप सब म्यूजिक प्लेयर की बैकग्राउंड पर अपना खुद का फोटो लगा सकते हो या फिर जिसका चाहो उसका फोटो लगा सकते हो। तो अगर आप इस ट्रिक के बारे में जानना चाहते हो या फिर इस ट्रिक को यूज़ करना चाहते हो तो फिर इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल को भी पक्का दबा दीजिए ताकि आप देख सकें मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक एप्लीकेशन की जरूरत है, तो एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। तो एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है, ठीक है, मतलब कि अलाउ कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं परमिशन दे देता हूँ। फिर यहाँ पर परमिशन मांगेगा, तो फिर आपको यहाँ पर परमिशन दे देना है। तो परमिशन देने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपका मोबाइल का कोई भी एक सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं इस सॉन्ग्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ, और सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आप दो फोटो लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोगो है म्यूजिक प्लेयर का, तो यहाँ पर भी आप एक फ़ोटो लगा सकते हो, फिर उसके बाद बैकग्राउंड पर भी। तो आपको मैं एक एक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको फोटो लगाने के लिए क्या करना है, जो राइट साइड में ऊपर में तीन आइकन है इस पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर आपको कस्टमाइज पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर कस्टमाइज़ कर सकते हो म्यूज़िक प्लेयर का जो लोगो है वो अपने हिसाब से साइज़ को बड़ा छोटा कर सकते हो। तो उसके बाद फिर अगर आप चाहते हो फोटो लगाना लोगों पर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर पिक कस्टम लोगों पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद आपका मोबाइल का जो गैलरी है तो वो ओपन हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर उस फोटो को चूज कर लेना है या फिर सेलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप लगाना चाहते हो। तो जैसे कि यहाँ पर मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ही मैं लगाऊंगा, तो यहाँ पर फोटो को मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर क्रॉप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इतना ले लेता हूँ, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर यहाँ पर अगर आप लोगों को बड़ा करना चाहते हो या फिर छोटा करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ, मुझे इतना ही चाहिए। तो चलिए यहाँ पर मैं डन पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लोगों पर मेरा जो फोटो है वो लग चुका है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो काले कलर है ना, मतलब कि यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, तो यहाँ पर अगर आप अपना फ़ोटो लगाना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या कर देना है, फिर आपको यहाँ पर राइट साइड में जो ऊपर में तीन आइकन है इस पर क्लिक कर देना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सेट बैकग्राउंड पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरेस्ट आएगा, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर जो इमेज है वो कैसे चाहिए, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। तो जैसे कि मुझे पोर्ट्रेट चाहिए, तो चलिए यहाँ पर मैं पोर्ट्रेट पर क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर उस फोटो को सिलेक्ट कर लेना है जिस फोटो को आप लगाना चाहते हो, आपका गैलरी ओपन हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर मैं इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ही मैं लगाऊंगा। तो उसके बाद फिर यहाँ पर मैं अपने हिसाब से क्रॉप कर लेता हूँ। तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्या कर देना है, यहाँ पर क्रॉप पर क्लिक कर देना है। तो चलिए यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो क्लिक करने के बाद फिर आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, तो आप भी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो म्यूज़िक प्लेयर है तो उसका जो बैकग्राउंड है वहाँ पर भी मेरा फ़ोटो लगा है, साथ ही यहाँ पर जो लोगो है यहाँ पर भी मेरा फ़ोटो लगा है। तो उसके बाद अगर आप यहाँ पर म्यूज़िक को प्ले करोगे ना, तो एकदम बहुत ही कमाल की इफेक्ट आएगा यार, बहुत ही कमाल की लगेगा। तो दोस्तों है ना कमाल का ट्रिक। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। तो दोस्तों अगर वीडियो को अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट कर देना, और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना। जय हिंद, वंदे मातरम।